Hello guys, welcome to my channel. This is Malkeet sir here. Today we are going to make a video on have to plus action first form. इससे पिछला video has to have to पर बनाया, उसके बाद कुछ mail आए कि सर एक video had to पर बनाया जाए. So in this video session I'm going to make a video on had to and just so had to हम जो use करते हैं वो करते हैं किसी भी मजबूरी के लिए जो पास्ट में हो. पास्ट में कोई भी काम करना पड़ा, वो फोर्सफुली हो सकता है या आपकी मजबूरी हो सकती है. तो उसे बताने के लिए हम हैड टू यूज़ करते हैं जिसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है. एक्शन होता है जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं, किया गया काम एक्शन होता है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है. और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उसमें हम हैड टू यूज करते हैं. और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इन द नेगेटिव सेंटेंस में हैड टू ये चेंज हो जाता है डिड के साथ, डिड हैव टू. अब हैव टू क्यों आया? हैव टू इसलिए आया क्योंकि डिड के साथ हैड टू नहीं आ सकता है. हैड टू सेकेंड फॉर्म होती है हैव टू की. ये आपको ध्यान रखना है. मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं, जो बेसिकली जो बिगनर होते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं. ये ग्रामेटिकली भी रॉन्ग होता है, स्पोकन में भी डिड के साथ हैड टू कभी भी नहीं आएगा. सो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या इंट्रोगेटिव होते हैं, रीजन आस्क रीजन नेगेटिव, क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं, उनमें किसी में भी हैड टू नहीं आएगा. हैड टू ओनली वी यूज इन द पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंसेस. सो ये बात आपको ध्यान रखनी है. नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट ऑल सेंटेंसेस. सो सी हियर, उसे पढ़ना पड़ा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. इट इज पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस, ये एक साधारण वाक्य है, इसमें हम हैड टू यूज कर लेंगे. उसे पढ़ना पड़ा. सो अगर वो लड़की है शी आएगा, लड़का है तो ही आएगा. शी हैड टू स्टडी, शी हैड टू स्टडी. हमें माफी मांगनी पड़ी, ये भी सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है. सो वी हैड टू अपोलोजाइज, उसे कपड़े नहीं खरीदने पड़े. यहां से गेम बदलता है, खेल यहीं से चेंज होता है. ये सिंपल सेंटेंस थे और यहां से नेगेटिव सेंटेंस से ही गेम चेंज होता है. यहां कपड़े नहीं खरीदने पड़े तो डिड के साथ हैव टू आएगा, और नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा. डिड नॉट हैव टू, हम उसे कपड़े नहीं खरीदने पड़े. सो ही डिड नॉट हैव टू बाय द क्लॉथ्स. और स्पोकन में डिड नॉट को हम डिंट बोलते हैं. सो ऐसे बोल सकते हैं कि ही डिंट हैव टू बाय द क्लोथ्स, ही डिंट हैव टू बाय द क्लोथ्स. लड़की है तो शी डिंट हैव टू बाय द क्लोथ्स. मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़े, मुझे काम नहीं करना पड़ा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है. सो आई डिंट have to scrub the dishes. I didn't have to scrub the dishes. क्या आपको जवाब देना पड़ा? ये interrogative में आता है, question ask, जवाब देना पड़ा. So did you have to reply? Did you have to reply? क्या आपको खाना बनाना पड़ा? Did you have to prepare
food. मुझे आपको नजरअंदाज क्यों करना पड़ा? Why did I have to ignore you? मुझे देहरादून क्यों जाना पड़ा? Why did I have to go to Dehradun? हमें बाइक क्यों नहीं चलानी पड़ी? क्यों नहीं चलानी पड़ी? So why didn't we have to ride bike? उसे पूजा क्यों नहीं करनी पड़ी? Why didn't she have to worship? तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करनी है. उसे पढ़ना पड़ा, she had to study, या फिर he had to study. उसे नहीं पढ़ना पड़ा, he didn't have to study. क्या उसे पढ़ना पड़ा, did he have to study. क्या उसे नहीं पढ़ना पड़ा, didn't he have to study. उसे क्यों पढ़ना पड़ा, why did he have to study. उसे क्यों नहीं पढ़ना पड़ा, why didn't he have to study. So, आप एक एक करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. हमें माफ़ी मांगनी पड़ी, we had to apologize. हमें माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी, we didn't have to apologize. So, उम्मीद करता हूँ, I hope you got everything. So, मिलते हैं in next video. Please like and share the video and subscribe my channel. Bye-bye.